Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 13, drinking water. Drinking water kya hota hai? Peene wala pani. Let's start. Water exists in three different form. Jo pani hai, ye teen form mein exist karta hai. First is ice, jo kis mein hoti hai? Solid form mein. Water, wo kis mein hota hai? Liquid mein. And water vapor kis mein hote hai? Gas mein. Where does this water on the earth come from? तो ये सभी पानी की जो फॉर्म्स हैं पानी की कहाँ पे आती हैं धरती से कहाँ पे आती हैं देर इज़ अ कंटिन्यूस मूवमेंट होती है पानी की बिटवीन द लैंड वाटर बॉडीज एंड एयर मीन्स कंटिन्यूड मूवमेंट चलता रहता है पानी इनके बीच में लैंड के वाटर बॉडीज में एंड एयर टू प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं पानी की मूवमेंट में फर्स्ट इज इवेपोरेशन सेकेंड इज कंडेंसेशन अब आपको बताएंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है On rainy day, बारिश के दिन क्या होता है We see puddles on of water on the roads. Look at the picture. ये बच्चा किस में खड़ा है Puddles में तो ऐसे road पे पानी रुक जाता है When the sun comes out, जब सूरज बाहर निकलता है The puddles of water disappear. तो उसकी क्या होती है जो हमारे उसमें गड्ढे बने होते हैं रोड पे उसमें पानी खड़ा होता है लेकिन जब सूरज आता है तो वो सूख जाता है इट मीन्स तो वो पानी है कहाँ चला जाता है व्हाट डू यू थिंक दिस हैपन तो वो कैसे होता है कि अचानक वो सूख जाता है वो किधर चला गया फिर पानी वही आपको बताएंगे व्हेन वाटर इज हीटेड जब पानी गर्म होता है इट चेंजेस टू बिकम वाटर पेपर तो वो किस में चेंज हो जाता है वाटर पेपर में आपने देखा होगा जब हम स्टोव पे वो वाटर है उसको बॉयल करते हैं तो वो धीरे धीरे बॉयल होकर ऊपर नहीं चली जाती एक भाप सी बन जाती है तो उसे बोलते हैं बच्चे वाटर वेपर मींस लिक्विड सॉरी गैस फॉर्म में जो पानी है वो चेंज हो गया उसके वेपर्स बन गए उसको क्या बोलते हैं इवेपोरेशन क्या होता है पानी से जब वेपर्स बनते हैं उसको इवेपोरेशन बोलते हैं व्हेन द वेदर इज़ वेरी हॉट जब हमारा जो वेदर है मौसम बहुत गर्म होता है गर्मियों के दिनों में मोर वाटर इज इवेपोरेटेड तो उतना ही पानी इवेपोरेट होता है दिस वाटर वेपर कैन नॉट बी सी ऑन सीन और टच आप इसको ना तो देख सकते हो ना ही आप इसको टच कर सकते हो ये क्या होता है इट इज़ अ गैस होती है एंड मिक्स विद किसके साथ मिक्स हो जाती है वो फिर एयर के साथ मिक्स हो जाती है वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज़ विंडी तो जो वाटर है वो इवेपोरेट बहुत फास्ट होता है जब वो विंडी हवाएं चलती हैं देयरफॉर वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे इसलिए क्या होता है जब विंडी डे होता है जब हवाएं चलती हैं तो जो हमारे गीले कपड़े हैं वो बहुत जल्दी सूखते हैं नेक्स्ट इज ऑन कूलिंग क्या होता है ठंडा होने पे फिर क्या होता है वाटर पेपर चेंजेस बैक टू वाटर जब ठंडा हो जाता है तो वापस जो वाटर पेपर्स हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं पानी में दिस प्रोसेस ऑफ वाटर पेपर चेंजिंग टू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन जब पानी के पेपर्स ठंडा होने पे वापस वाटर में चेंज हो जाते हैं उसे कंडेंसेशन बोलते हैं फ्यू ड्रॉप्स वी सी ऑन लीव्स ऑन विंटर मॉर्निंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन तो हम जैसे क्या है विंटर अब सर्दियों के दिन आ गए तो हम क्या है हम जो प्लांट्स के लीव्स हैं उसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट होती है ना वो किसके एग्जाम्पल हैं कंडेंसेशन की तो उसके कारण क्या हो जाता है जब ठंडा हो जाता है पानी तो वापस पानी में चेंज हो जाता है वाटर पेपर जब ठंडे होते हैं वो वापस पानी में चेंज हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं कंडेंसेशन इफ द वाटर इज कूल्ड फर्दर जब आप पानी को और ज़्यादा ठंडा करोगे इट चेंजेस इनटू आइस जैसे हम फ्रीज में रखते हैं पानी को ठंडा करते जाते हैं तो वो क्या बन जाती है उसकी आइस बन जाती है द प्रोसेस ऑफ वाटर वो प्रोसेस जिसमें पानी जो लिक्विड फॉर्म में होता है चेंजेस इनटू किस में चेंज हो जाता है आइस में सॉलिड में तो उसे ऑन कूलिंग ठंडा करने पर तो उसे क्या बोलते हैं फ्रीजिंग इसलिए हम जो हमारी आइस है वो घर पर जमाते हैं नेक्स्ट इज वाटर साइकिल अब आपको वाटर साइकिल के बारे में बताएंगे द वाटर साइकिल रेफर्स टू कंटिन्यू मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबव और बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ वाटर साइकिल में क्या होता है कंटिन्यूज मूवमेंट होती है किसकी पानी की धरती के ऊपर और बिलो द सर्फेस मीन सर्फेस के नीचे ड्यू टू हीट फ्रॉम सन लुक एट द पिक्चर ये क्या है सन इसकी गर्मी के कारण हीट के कारण वाटर इन रिवर्स जो पानी नदियों में होता है लुक एट द पिक्चर ये रिवर है इसमें जो पानी है लेक्स में पॉन्ड्स में सीज में सभी वाटर बॉडीज में जो पानी इवेपोरेट टू फॉर्म वाटर वेपर तो वो क्या करता है ऐसे जब ये इसकी हीट इस पे पड़ी तो ये क्या हो गया गर्म हो गया गर्म होने के पानी बाद इसके क्या बन जाते हैं वाटर वेपर्स तो ये वाटर वेपर्स बनने के बाद क्या हो जाते हैं इवेपोरेट मीन्स ऊपर चले जाते हैं
विच राइजेज हाई इन द एयर, ऊपर चले जाते हैं एयर में. व्हेन द वाटर पेपर कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद कूल एयर, जब ये क्या होते हैं, ये वाटर पेपर्स गर्म होकर गए होते हैं, जब ये किसी एयर में, एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, इट कंडेंसेस इन टू टिनी लिक्विड वाटर ड्रॉप, तो ये वापस क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, मीन्स ठंडे हो जाते हैं. ठंडे होने के बाद ये वापस चेंज हो जाते हैं ना वाटर में, तो ये ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं. दीज ड्रॉपलेट ज्वाइन इन द एटमोसफियर, तो ये ड्रॉपलेट हमारे इस एटमोसफियर में ज्वाइन हो जाती हैं, और क्या होता है, टू फॉर्म क्लाउड्स, तो ऐसे क्या बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं. When the cloud become heavy with water, जब जे पानी बहुत भर जाते हैं, जे cloud बदल बहुत भर जाते हैं, these water droplet fall on the earth, तो ये बदल बन गए, clouds बन गए, तो अब जे क्या हो गए, बहुत heavy हो गए, तो ये droplet के rain के form में क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, fall on the earth in the form of rain, snow, या फिर snow की form में, या फिर hail की form में, इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. वेन इट रेन्स, जब ये बारिश होती है, द वाटर बॉडीज फिल अप अगेन, तो बारिश होने के बाद फिर ये वाटर बॉडीज भर गई, ठीक है, तो वाटर बॉडीज फिल हो गई. एंड अगेन इन द हॉट सन, फिर हॉट सन आ गया, स्टार्ट दे दोबारा वेपोरेट होने स्टार्ट हो गए, फिर इसके बादल बन गए, फिर जे नीचे आ गए, तो होल प्रोसेस रिपीट अगेन, तो ऐसे प्रोसेस रिपीट होता रहता है दोबारा दोबारा, तो इसे क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. नेक्स्ट इज, वी हैव लर्न दैट 70% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड इन वाटर, तो हमारी धरती का जो 70% हिस्सा है वो पानी के साथ कवर हुआ हो. आउट ऑफ दिस, इसमें से ओनली 3% इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, हमारे लिए सिर्फ पीने के जो कौन सा पानी है, सिर्फ 3% 70 में से. वाटर फॉर्म नेचुरल सोर्सेज सच एज रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड इज ऑफन पोल्यूटेड एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. जो वाटर नेचुरल सोर्सेस से मिलता है, नेचुरल सोर्स मीन कुदरती सोर्सों में, जैसे जो पानी होता है रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, ये क्या होता है, पोल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है, गंदा होता है, नॉट ये हमारे पीने के जो नहीं होता. इसमें क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, गार्बेज, कूड़ा करकट होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है. जो वाटर फ्रेश सोर्सेज से आता है, वाटर फ्रॉम फ्रेश सोर्सेज, वो क्या है, स्लोली क्या होता जाता है, पोल्यूट हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में इतने जो गैसेस हैं धुएं से, वो क्या हो जाता है, पोल्यूट होता है. इवन द वाटर दैट रीचेज अवर होम, जब थ्रू टैप्स, जब वो टैप्स के थ्रू हमारे पास आता है, इज़ नॉट क्लीन, वो साफ नहीं होता, शुड बी प्योरीफाइड बिफोर ड्रिंकिंग, तो हमें वो क्या करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है, तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, प्यूरीफाई करना पड़ता है पीने से पहले. वाटर विच इज़ सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, जो पानी हमारे पीने के लिए सेफ़ होता है, मीन्स प्योर होता है, उसे हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं. इट इज़ ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस, इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, एंड टेस्टलेस होता है, कोई इसका टेस्ट नहीं होता. थिंग्स दैट मेक वाटर इम्प्योर आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़ इनसॉल्युबल, तो क्या है, जो चीज़ें हमारे पानी को इम्प्योर करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटीज़, अशुद्धियाँ बोलते हैं. इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. इनसॉल्युबल मीन्स जो चीज़ पानी में नहीं घुलती, जो इम्प्यूरिटीज़ पानी में नहीं घुलती, सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ डिजॉल्व इन वाटर, जो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो पानी में घुल जाती हैं. थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.